इस सस्ते से फल से बहुत सारे फायदे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों। लेकिन क्या आप जानते हैं केले के छिलके को जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, आज इसके फायदे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके फायदे बहुत ही ज्यादा हैं। तो आज उस छिलके के 5 ऐसे अमेजिंग फायदे बताऊंगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब भी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। पहला फायदा आपके दांतों के लिए। अगर हमारे दांत पीले हो गए तो हमें क्या करना होगा, तो हफ्ते में 2 बार केले के छिलके को इस तरीके से यूज कीजिए। कैसे? अगर 1 मिनट तक इस छिलके को आप दांतों में रगड़ते रहेंगे, उस पर मसाज करते रहेंगे, उसके बाद आप ब्रश करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे 2-3 हफ्तों में दांतों का पीलापन बिल्कुल चला गया और दांत चमक से गए। अब चलते हैं एक और ट्रिक के लिए कि ये जो केले का छिलका हमें क्या फायदा देगा। त्वचा की चमक को बनाए रखने के लिए, झुर्रियों को कम करने में केले के छिलके के बहुत बड़े फायदे हैं। केले के छिलके से हल्के हाथ से फेस पर जब भी आप फ्री हों 2-3 मिनट के लिए मसाज कीजिए, उसके बाद 10 मिनट छोड़ दीजिए। फिर आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोएंगे, आपको लगेगा कि आज चेहरा चमक रहा है। बच्चों, फ्रूट्स में एक ऐसा फल है जो केला, जो कि हर जगह मिल जाता है, पॉकेट फ्रेंडली है, 12 महीने मिलता है, कोई उसका सीजन ही नहीं होता है और हर जगह अवेलेबल होता है। 8 महीने का जो बच्चा होता है ना, उसे हम जब पहला खाना शुरू करते हैं तो केले से ही शुरू करते हैं और 80 साल तक के बुजुर्ग भी इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है, हमें खाना भी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तब भी मत डरिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करेगा। आपके जो पिंपल्स हैं वो धीरे धीरे सूखते जाएंगे, उनके ऊपर भी धीरे धीरे आप मसाज करते रहिए। यकीन मानिए, जब पिंपल्स तो सूख के चले जाएंगे, अगर आपके उसके जो दाग रह जाते हैं वो भी अब इसके बाद केले के छिलके की वजह से दाग भी नहीं रहेंगे, जो दाग हैं वो भी चले जाएंगे। तो इन्हें आप जरूर अजमाइए और मुझे जरूर बताइए। एक और बात, जो हमें अगर कहीं हमारे चेहरे पर या किसी ऐसे पार्ट पर मस्से हो गए हैं, मस्से वो नहीं जो बर्थ मार्क हैं, लेकिन जो बाद में हो गए हैं किसी भी वजह से, खाने पीने की वजह से या किसी भी वजह से आपको छोटे छोटे मस्से हो गए, वो भी मस्से इन छिलके से हम हटा सकते हैं। इन मस्सों पर आप कंटिन्यूसली 2-3 मिनट के लिए रब कीजिए केले के छिलके को, उसके बाद इसी छिलके को आप बांध दीजिए और रात भर सो जाइए। 2-4 बार आप ऐसे करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे उन मस्से जो हैं, जो छोटे छोटे हो गए, वो धीरे धीरे झड़ते चले जाएंगे और आपका वो हिस्सा क्लीन हो जाएगा। एक और बात, कई बार हम जल जाते हैं जिसकी वजह से बहुत जलन होती है, या किसी पार्ट पर मच्छर काटने की वजह से सूजन हो जाती है, वहाँ पर भी अगर आप केले के छिलके को धीरे धीरे रब करेंगे तो केले की छिलके से जो आपको शांति मिलेगी बहुत ही अच्छा लगेगा। और केले के पार्ट को छिलके समेत अगर आप मिक्सी में पीस लेते हैं और उसमें अंडे की जर्दी लगाकर चेहरे पर लगाकर 20 से 25 मिनट तक लगाकर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि चेहरा कितना चमक सा गया है। और हाँ, अगर आपके यहाँ अंडे की जर्दी नहीं यूज़ होती तो उसमें थोड़ा सा दही यूज़ कर सकते हैं और इस पैक को आप यूज़ कीजिए, आपको बेहद फ़ायदा होगा। केले के छिलके के मैंने कई यूज़ बताए भी हैं, एक और यूज़ हो सकता है, जैसे कि केले के छिलके काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें आप पानी में बॉयल करके, ठंडा करके अगर पौधों में डालना शुरू करते हैं तो पौधों की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधों को यही फर्टिलाइज़र की बहुत आवश्यकता होती है। तो ख़ास तौर से गर्मियों में तो ये ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास गार्डन है या छोटे मोटे पौधे भी हैं तो ये डालेंगे तो आपके पौधे अच्छे ग्रो करेंगे। तो देखा ना बच्चों, केले के छिलके को जिसे आप डस्टबिन में फेंकते हो उसे हमने कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उसके जो फ़ायदे हैं बहुत ही लाजवाब है। तो यूज़ कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों अगर इस चैनल पर नए आएँ सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए।